नीमच जिले के गांव कान्हा खेड़ा के किसान सुनील पिता गोविंद नागदा ने अपने गांव में एक अनोखी पहल कायम की है। इस युवा किसान सुनील नागदा ने पढ़ाई के साथ साथ खेती में अपना भविष्य देखते हुए पंजाब के मोहाली से काला गेहूं मंगवाकर खेती की। इसकी विशेषताओं को जानने के लिए ज्ञानोदय कॉलेज के छात्रों ने गांव कान्हा खेड़ा का दौरा किया और इसकी विशेषताएं जानी और होनहार युवा किसान सुनील नागदा को बधाई देते हुए और आगे बढ़ने की बात कही। आप देख रहे हैं नीमच से हेमंत गुप्ता के साथ हरिमोहन योगी, महेश गुप्ता व इमरान खान की ये खास रिपोर्ट। करके इसके बारे में आपको कैसे इन्होंने जानकारी दी आपको, लेकिन ये किस किस चीजों पर काम करता है ये आपको नॉलेज है? जी ये एक तो मानसिक तनाव, डायबिटीज, शुगर, हार्ट अटैक, मोटापा, इन सभी कैंसर, इन सभी चीजों में ये फायदेमंद है। और इस पर शोध डॉक्टर मोनिका गर्ग जो कि नाभि रिसर्च सेंटर है यूनिवर्सिटी लुधियाना, उन्होंने इस पर शोध दिया था। तो कितना बीज वहाँ से मंगवाया आपने? 40 किलो बीज मंगवाया था हमने। कितने बीघा में लगाया? 3 बीघा के लिए। अच्छा अच्छा, अभी इसका हार्वेस्टिंग हो गया कि बाकी है? अभी हार्वेस्टिंग एक प्लाट का हो गया, एक प्लाट का और अभी बाकी है। तो कितना उत्पादन मानते हैं उसका? उत्पादन अभी लगभग 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाएगा। कौन कौन से फर्टिलाइजर उसमें उपयोग किए थे? फर्टिलाइजर हमने उसमें कुछ भी उपयोग नहीं किया है, उसमें सिर्फ ये वर्मी कम्पोस्ट और साथ में वेस्ट रिकम्पोजर उसमें चलाया है। लगाया है आप ही नहीं लगाया है? शायद एक किसान और है, मुझे जानकारी तो नहीं है, पर किसी ने बताया था कि एक किसान और ने लगाया है। और कोई कृषि विभाग वाले यहाँ पर देखने आए कि नहीं आए? कृषि विभाग वाले अभी तक तो नहीं आए। नहीं आए तो उनको कोई जानकारी नहीं है? जानकारी थी, श्याम सिंह जी बोल रहे थे आएंगे आएंगे, पर उन्होंने एक बार फिर फोन लगाया था कि अभी हमको समय नहीं है, कृषि मेला है तो उसके बाद हम देखेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील नागदा। गाँव जो कि सीड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, और मेरे साथ मैडम भी है हमारे कपिल सर बोटनी के। हम यहाँ पे आज हमारा विजिट है, गांव काना खेड़ा में हैं हम लोग आज। और ये जो प्लॉट है आप देख रहे हैं इधर साइड में, यहाँ पे ब्लैक बीट, इसको काला गेहूँ बोलते हैं, ये कुछ क्षेत्र में हमने लगाए थे। यहाँ पे लगभग 2 प्लाट में लगाए थे, एक की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। हमारा परसों आने का था यहाँ के, लेकिन हमको कुछ समय वगैरह नहीं मिला, तो इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काला गेहूँ ये मोहाली में नाभि, आपने रिसर्च सेंटर के बारे में सुना होगा, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, क्योंकि मोहाली पंजाब में स्थित है, वहाँ से कुछ वेराइटीज़ की अभी अब बात करें, धीरे धीरे रिसर्च चल रहा है और धीरे धीरे कुछ ब्लैक, ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में गेहूँ जो है पूरे काले नहीं है ये, ठीक है, इसमें 2-3 कलर आपको मिक्स दिख रहे होंगे, क्योंकि ये अभी रिसर्च चल रहा है धीरे धीरे। सरकार भी इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि लोगों के अंदर बीमारियों का ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए सब चीज़ रिसर्च कर करके सरकार जो है इस फैला रही है वैज्ञानिकों को। अब जैसे हम बात करें कि जैसे सुनील ने बताया था पहले कि मानसिक रोग जो होते हैं, हार्ट पेशेंट जिनको होते हैं, कैंसर, एनीमिया, खून की कमी जिनको बोलते हैं, और शुगर वगैरह में, घुटनों के दर्द में, ये और जो मौसमी बीमारियां जो होती है उनसे कंट्रोल करने में ये गेहूं काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। हम अपन जैसे बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि एंथ्रोसाइमिन जो पिगमेंट होता है वो ब्लैक वीट में पाया जाता है। उसका काम ही, वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, उसका काम ही बीमारियों को कंट्रोल करना है। और जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो खान पान आज के ज़माने में जो हम जैसे कुछ भी खा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं हमारे खाने का, ब्रेकफास्ट में समोसा कचौरी का सेवन कर रहे हैं, जो कि हम भी जानते हैं कि कुछ फ़ायदा होना नहीं उससे। हम बात करें कम उम्र में हमारी ज़्यादा दिखने लगी है सबकी, नॉर्मली लोगों की, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक कुछ चीज़ों का सेवन करना हमको बहुत अनिवार्य रूप से हो गया है। इसीलिए ये गेहूं जो है, हम बात करें तो आप इसका डेली भी सेवन कर सकते हैं। इनका गेहूं का जो आटा बनेगा ये भी वाइट, मतलब थोड़ा सा डार्क हो सकता है उससे, 19-20, एक श्योरली नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है हमारा भी ये, तो 19-20 उससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ये, और टेस्ट भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा उसका, जो नॉर्मल गेहूं हम खाते हैं, गेहूं की रोटियां घर पे बनी हुई, उससे 19-20 इसका जो होगा टेस्ट होगा। लेकिन क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट है ये जल्दी, और आपने काले चावल का नाम भी सुना होगा, वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे धीरे धीरे अपने यहाँ राइस होता नहीं है, एक्चुअली हो रहा है वो, पर राइस अपने होता नहीं ना सर, गेहूं का भी चल रहा है तो गेहूं होता है। और आप देख रहे होंगे कि जैसे आपने इंटरनेट वगैरह पे आप लोग सर्च करेंगे तो कुछ भ्रांतियां हैं इसके बारे में, जिसको मैं क्लियर कर देता हूं आज, कि आप थोड़ा सा गेहूं पे नज़र मान लीजिए सर, कि ये इनकी जो बालियां आपको दिख रही है
ये नॉर्मल गेहूं जैसी ही है। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे काले गेहूं सर्च करेंगे तो वो अलग दिखेगा, मतलब आप अपने को भ्रमित करते हैं वो लोग कि उनकी बालियां भी काली होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये नॉर्मल है गेहूं, दिखने में भी बस दिखने में आपको कलर थोड़ा सा आप इसका देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा हो आपको कोई डिशेज लग रही है उसमें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये दो तीन कलर में मिक्स है इसलिए थोड़ी सी ये आपको थोड़ा दिखने में अटपटा लग रहा होगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर आर के वेनारिया, मैं ज्ञानोदय कॉलेज से सीट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का HOD हूँ।